शिवराज सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार के फैसलों की समीक्षा पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि समीक्षा कराए वो बेहतर है, पर अपने 15 सालों की समीक्षाएं भी करें, सरकार बदले की सोच रखकर काम न करे। कोरोना को लेकर सरकार को समीक्षा करना चाहिए। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने जवाब दिया। तरीके की परंपराएं तो वैसे नहीं रही। अगर 15 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम लोग भी अगर समीक्षा में ही लगे रहते तो वो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को बदनाम करने के लिए कोशिश हो रही। समीक्षा कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो अभी भी बनाए हुए हैं फिर इनकी भी समीक्षा उसमें हो ज़्यादा बेहतर है, और 15 साल की भी अपनी समीक्षा वो एक बार फिर से कर लें। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात होगी अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस की वजह से आदिवासी पिछड़े हुए हैं या दलित समाज के लोग पिछड़े हुए हैं। इससे बड़ा मजाक तो कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि ये मैं नहीं उन समाज में भी अगर आप बात करोगे तो आज़ादी से लेके अब तक जो अधिकार प्राप्त हुआ है उसमें बहुत लंबा समय कांग्रेस का ही रहा है, और कांग्रेस के समय में हर अच्छी बुरी जो भी उनके लिए ज़रूरत की बातें थी उनको हम लोगों ने सहयोग किया है। मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान बिल्कुल उदासीन बैठी है। मुझे कहते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपके सामने विश्वास के साथ और प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 15 वर्षों में ओरछा में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उससे ज़्यादा विकास का काम मध्य प्रदेश की 1.5 वर्ष की कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने वहाँ पर किया है। दिग्विजय सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी की बात नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का पूजन 3 वर्ष पहले भी हुआ, अब की बार द्वारा भी हो गया, वो मुद्दा वहाँ ख़त्म हो गया। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा और लक्ष्मण सिंह जी ने क्या कहा मुहूर्त को लेके, उन दोनों ने नहीं कहा। सच बात तो यह है हमारे देश के सबसे बड़े धर्माचार्य जिन्हें हम शंकराचार्य की उपाधि देते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने इस बात को कहा। बीडी शर्मा जी को उनकी कोई काबिलियत के ऊपर अध्यक्ष नहीं बनाया गया जितना मैं समझता हूँ। उनको तो अध्यक्ष बनाने का केवल कारण एक ही है कि ये षड्यंत्र पहले से ही तैयार हो गया था कि मध्य प्रदेश की सरकार को अनैतिक तरीके से गिराना है और ग्वालियर चंबल में उपचुनाव होना है, इसलिए बीडी शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि वहाँ पे वो अपने वोटों को प्रभावित कर सके। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की भारतीय जनता पार्टी की बात करती है और आप लोगों से ही जानकारी मिलती है कि उनकी ही वेबसाइट के ऊपर पहले वो ये तय करें कि वो महामंत्री हैं कि अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष हों या महामंत्री हों अभी तो कम से कम जो है अभी भगवान की कृपा से हम सब लोगों की दुआएँ थी तो वो अस्पताल से बाहर आए हैं और अभी अपने घर पर विश्राम करें ताकि जो है और किसी को ये दिक्कत ना पड़े।